ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ये वर्दीधारी नियम और कानून का पाठ क्या पढ़ाएंगे? यहाँ तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस का एक सिपाही ही वर्दी की गरिमा को तार तार कर गया, अर्थात कानून का रक्षक ही भक्षक बन गया। छावनी थाना क्षेत्र में कैंप एक निवासी एक युवक को अन्य युवक के कहने पर सुपेला थाने का एक आरक्षक जबरन उसे घर से उठाकर थाना लाया और लगभग 3 घंटे तक थाने में बैठाकर एक सादे कागज में 2 दिन के भीतर 5 लाख वापस करने का लिखवा लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत 13 सितंबर को पुलिस अधीक्षक से की, मगर 2 दिन बाद भी उसके आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। वह सुपेला थाने की स्मृति नगर पुलिस चौकी में पदस्थ डायल 112 के एक आरक्षक द्वारा देर रात राहगीरों से अवैध वसूली का मामला भी सामने आया है। देखिए खास रिपोर्ट। छावनी थाना अंतर्गत आने वाले कैंप एक निवासी परबदीप सिंह को अपने ही दोस्त को अपने अकाउंट से कैश निकाल कर देना बहुत महंगा पड़ा। दरअसल पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है, पर वहीं इस मामले में प्रार्थी और उसका दोस्त जिसने उसके अकाउंट से पैसे मंगवाया था दोनों ही छावनी थाना क्षेत्र के हैं, पर वहीं इस मामले को खींच तान कर लाया जाता है सुपेला थाना और की जाती है प्रार्थी के साथ जबरिया दबंगई और मनमानी। सुपेला थाने के आरक्षक के द्वारा इसमें दबंगई की गई। प्रार्थी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि उसके एक दोस्त द्वारा 2 लाख की रकम उसके अकाउंट में डालकर उसे वापस देना तय था, पर वहीं प्रार्थी द्वारा रुपए दे देने के पश्चात उसे अलग ही सीन से गुजरना होता है। वो रहने वाला है छावनी थाना अंतर्गत का, पर वहीं सुपेला थाने में उसे बुलाकर झूठे केस में फंसा देने की धमकी देते हुए उसे प्रताड़ित किया जाता है। प्रार्थी ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की है। परसों पुलिस वाले मुझे घर से उठा के ले गए थे। जब मैं थाने पहुंचा तो विशाल सोनी थाने में ही मौजूद था। तो फिर विशाल सोनी मुझे कहा कि जो मैं पैसा तुम्हारे खाते में डाला हूँ वो मुझे वापस कर दे। मैंने विशाल सोनी को कहा कि क्या बोलते हैं, मैं तेरा पैसा पूरा टुडे वापस कर चुका हूँ। उसी बीच मुझे विशाल सिंह पुलिस वाले ने मारा और ज़बरदस्ती 5,80,000 में साइन करवाया और फिर मुझे बोला अगर ये पैसा कल सुबह 11 बजे तक नहीं ला के देगा तो मैं तेरे पूरे परिवार वालों को उनको जेल भिजवा दूंगा। ये विशाल सोनी मेरे मोहल्ले का है, जान पहचान का, घर के पास का है। वो 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाला और मुझे बोला कि कैश सीए करके उसी, वो पहले भी डालता था 1,000 का भी, मेरे से बोलता था कि भाई मैं तेरे अकाउंट में मार रहा हूँ, मुझे घर यानी कैश ला के दे दे। उसके पास ATM नहीं था, उसी कारण मुझे बोला कि मैं तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपये मार रहा हूँ भाई, तो मुझे कैश ला के दे दे। तो वही 1 हफ्ते के अंदर मैं उसको पूरा उसका पैसा वापस कर दिया। इसकी शिकायत मैंने आज SP साहब को की है। जब मैं बोला कि पैसा वापस कर चुका हूँ, उसी बीच सुपेला थाना विशाल सिंह ने मुझे मारना चालू किया। उसके बाद बोला अगर कल सुबह तक ये पैसा वापस नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे परिवार वाले को जेल के अंदर भेज दूंगा। तो बता दें प्रार्थी ने दुर्ग SP को मामले की जांच के लिए आवेदन भी दिया हुआ है। तो नजर डालते हैं अब दूसरे मामले में, ये भी सुपेला थाना क्षेत्र का है। अगर गौर करें तो ये भी सुपेला थाना अंतर्गत मामला है। बता दें कि स्मृति नगर चौक अंतर्गत 112 में एक पुलिसकर्मी ने तो अलग ही करतूत कर डाली। बीते दिनों रात 2 बजे उसने लोगों को रोक कर वसूली करना ही शुरू कर दिया। आप भी सुनिए कि किस तरह 112 के कर्मी के द्वारा वसूली की जा रही है। ये सब इसने रात को कैसे लेके घूमूंगा सर? यूनो मेरे को एक्सपेक्ट तो नहीं था कि ऐसा होगा आज सर। तो मैं ध्यान रखना चाहिए ना। जाओ चलो बाबू, जाओ बाबू, दोबारा ऐसा काम नहीं करना। दोबारा नहीं होता सर, बहुत देखो आजकल का माहौल ठीक नहीं भाई। ऊपर से दाढ़ी वाली बनाए जितना चखना है उसको नहीं रुको। 112 के कर्मी द्वारा की जा रही वसूली के मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने जिसे वसूली की जा रही थी उसने अपनी पीड़ा बताई है। यह स्मृति नगर चौकी के पास का था, जुनवानी पेट्रोल पंप के पास हम लोग आ रहे थे, फैमिली फंक्शन था तो वहाँ से हम लोग खाना वाना खा के आ रहे थे। तो पुलिस वाले पीछे से आए और हमें रोका। उसके बाद हमने अपना मतलब लाइसेंस अभी था नहीं रात को इतनी, तो हम लोग बोले कि सर बाद में सबमिट कर देंगे, अपना डिटेल विटेल दे देते हैं ऐसे करके। तो हमने अपना डिटेल विटेल दिया, फिर उसके बाद भी वो मान नहीं रहे थे।
बोलते हैं कि नई गाड़ी जब्त होगी ऐसा वैसा करके। हमने बोला कि सर कल सबमिट कर देंगे पूरा, आप डिटेल ले जाइए ऐसे करके। पर वो इतना ड्रिंक में था, वो बोल भी नहीं पा रहा था, अपनी बात भी नहीं समझा पा रहा था, और जो भी डिटेल लिख रहा था वो ठीक से भी नहीं लिख पा रहा था। तो उसके बाद वो गाली गलौज करने लग गया और परेशान करने लग गया, और आए दिन अभी यही सब हो रहा है। और उसके बाद फिर बोलता है कि पैसा दे दो, 1,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसा दे दो, उसके बाद चले जाओ, ये वो ऐसा वैसा करके, और गाली गलौज करके बात कर रहा था। सैयद खान ऐसे कुछ नाम था उसका, और वो टैग भी नहीं पहना हुआ था। वो अपना नंबर दिया, उसमें बोलता है इसमें पेटीएम कर दो ऐसा वैसा करके। तो वहाँ से उसका नाम पता चला, और वही था, उसके साथ कोई ऑफिसर भी नहीं था कोई, और एक ड्राइवर ही था, 112 में थे उन लोग। तो फिर वैसे ही रोक के हम लोग को परेशान करने लग गए। गौर करने वाली बात यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहने। पुलिस थाना, थाने के कर्मी हमारी सुरक्षा हिफाजत के लिए हैं, पर वहीं इनका ही खौफ अगर इस तरह हावी हो जाए तो हम सुरक्षित कैसे रहें। बहरहाल दोनों ही मामलों में सुपेला थाने की लापरवाही, दबंगई और मनमानी साफ उजागर हुई है। प्रार्थी परमदीप ने तो SP दुर्ग को जाँच हेतु आवेदन भी दिया है। देखना होगा मामले की जाँच किस तरह, कब और कैसे की जाती है, या सिर्फ पोती कर छोड़ दिया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।